सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अगर आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हुई तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जो लिखना चाहे आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं कॉन्फिडेंट के साथ कहती हूँ कि आप लोग सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अपनी शॉर्ट वीडियो को इजीली वायरल करा लेंगे। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को मजाक में मत लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक बताने वाली हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर वो ट्रिक नहीं मिलेगी, चाहे जाकर सर्च कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग प्रूफ देखो, यहाँ पर देखो इस वीडियो पर कितने व्यूज आए हुए, यहाँ पर देखो 5 करोड़, यहाँ पर देखो 3.7 करोड़, 5.8 करोड़, यहाँ पर देखो 10 करोड़, 6.9 करोड़, 3.7 करोड़, 14 करोड़, 3.7 करोड़, 3.6 करोड़, इस तरीके से अगर आप लोग करोड़ों गिनते गिनते थक जाएंगे, पर यहाँ से करोड़ों का जो नंबर है वो खत्म होने वाला नहीं है। अब दोस्तों आप लोग के वीडियो में सिर्फ हजारों में व्यूज क्यों आते हैं, आपके वीडियो में 1000-2000 व्यूज आके आपकी शॉर्ट वीडियो क्यों रुक जाती है, क्योंकि आप लोग को अभी तक सही तरीका पता ही नहीं कि आखिर अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो को वायरल कैसे कराया जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान से सारे ट्रिक को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो को वायरल करा सकते हैं। मान लीजिए आपके वीडियो में हजारों में व्यूज आ रहे हैं और इन लोगों के वीडियो में करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, तो आप लोग इन लोगों के वीडियो का सहारा लेकर अपने वीडियो को 100% वायरल करा सकते हैं सिर्फ 3 सेकंड के अंदर। अगर दोस्तों आप लोग को ये मजाक लग रहा है तो आप लोग वीडियो छोड़कर अभी जा सकते हैं। अगर आप लोग को अपनी वीडियो को सच में वायरल कराना तो वीडियो को पूरा देख लेना। अब यहाँ पर इन लोगों के वीडियो पे करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, आपके वीडियो पे हजारों में व्यूज आ रहे हैं, तो आप लोग अगर इनके वीडियो का सहारा लेते हैं तो आप लोग की वीडियो पे कम से कम लाखों में व्यूज तो आने ही लगेंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो यहाँ पर आखिर आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, किस तरीके से आप लोगों को अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कराना है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भाई कल की वीडियो के बिना रहे, इनके चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया है। अगर आप लोग भी अपने चैनल का फ्री में प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को पूरा देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग विनर नहीं बन पाएंगे। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग इसको ज्वाइन करते हैं उनको मेरी तरफ से 1000 सब्सक्राइबर बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं, तो जिसको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आखिर इन लोगों की वीडियो पे 20-20 करोड़, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ व्यूज कैसे आ जाते हैं, आप लोग की वीडियो पे इतने व्यूज क्यों नहीं आते, तो आज से आपके वीडियो पर भी शॉर्ट वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सारे ट्रिक को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको होम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप लोग यहाँ से होम वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऊपर की साइड में, यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने आता है ट्रेंडिंग का ऑप्शन, इस ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, पर यहाँ पर देखो आपके सामने आ रहा है शॉर्ट वाला ऑप्शन, पर इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। अब आपको अपनी वीडियो को वायरल कैसे कराना है वो समझना है। यहाँ पर देखो नीचे की साइड चले जाओ, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखो एक ये वीडियो मिल रही है, एक ये वीडियो मिल रही है। अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कराना चाहते हैं तो आप लोग को इन वीडियोस का ही सहारा लेकर अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कराना है। सही तरीका समझना पड़ेगा, अपनी वीडियो को कैसे अपलोड करोगे, कैसे अपनी वीडियो के अंदर ट्रिक लगाओगे, तभी आपकी वीडियो वायरल होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। आप देखो पहली वीडियो और यहाँ से दूसरी वीडियो, ये दो वीडियो आपको टारगेट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग की शॉर्ट वीडियो वो रैंक करेगी। अब यहाँ पर देखो इसके बाद बहुत सारे वीडियो आ रही हैं, पर दोस्तों ये वीडियो आपको नहीं लेनी है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो पहली वीडियो आ रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपके सामने ये शेयर वाला आइकन आ रहा है, इस शेयर के आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप शेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे आप देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से आप कॉपी लिंक कर लो। जैसे आप कॉपी लिंक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ बाई टूल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सर्च करना है तो आपके सामने देखो ये वाला जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसको ओपन किया अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो आपने अभी वीडियो का लिंक कॉपी किया था वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, गो का ऑप्शन, तो इस गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर इस वीडियो का टाइटल आ गया, यहाँ से डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, यहाँ से हैशटैग ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनकी वीडियो के अंदर एक भी टैग लगा हुआ नहीं है, तो टैग अगर नहीं भी लगा हुआ तब भी आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टाइटल का यूज करना है। टाइटल का यूज कैसे करना है, यहाँ पर देखो कॉपी टाइटल आ रहा है, इस कॉपी टाइटल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉपी टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, नोट पैड के अंदर चले जाना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग नोट पैड के अंदर आएंगे ये टाइटल आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। टाइटल पेस्ट कर दिया, आप थोड़ा सा नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद फिर से यहाँ पर बैक जाओ। बैक जाने के बाद यहाँ पर देखो इनके हैशटैग आ रहे हैं,
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ रहा है कॉपी ऑल हैशटैग, इस पर क्लिक करो, सारे हैशटैग कॉपी कर लो। सारे हैशटैग कॉपी करने के बाद फिर से अपने नोटपैड में जाओ, यहाँ पर वो हैशटैग डाल दो। अब यहाँ से क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपने YouTube एप्लीकेशन पे जाना है। YouTube एप्लीकेशन पे जाने के बाद अब आपको ध्यान रखना है इस चैनल पे क्या नाम है, लखनीत ब्लॉग्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं लखनीत ब्लॉग्स है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर इस तरीके से एट द रेट लगाकर यहाँ पर लिख देना है लखनीत, यहाँ पर आपको लिखना है लखनीत और टोटल आपको इसे जोड़ के लिखना है लखनीत ब्लॉग्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद अब आपको यहाँ से बैक जाओ। बैक जाने के बाद आपको यहाँ देखो दूसरी वीडियो आ रही है, इस दूसरी वीडियो पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप दूसरी वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करो। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर लो, नहीं तो यहाँ पर आपके सामने वही वाला ऑप्शन आ जाएगा जो ऐप मैंने अभी आपको बताया था। तो सिंपली हम इस ऐप पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैंने इस ऐप पर क्लिक किया तो अब आपके सामने यहाँ पर देखो ये वाली वीडियो है, इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सारा कुछ निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वीडियो का जो टाइटल है इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी टाइटल पे क्लिक किया, यहाँ से बैक चलते हैं नोट पैड के अंदर। अब यहाँ से उस टाइटल को यहाँ पे पेस्ट करना है। टाइटल पेस्ट होने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद फिर से अपने उस ऐप के अंदर चले जाओ। तो टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको फिर से आना है, फिर से आने के बाद यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ये हैशटैग आ रहे हैं सारे के सारे, यहाँ पर मिल रहा है कॉपी ऑल हैशटैग, इस पर क्लिक कर लो। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे फिर से नोट पैड के अंदर जाओ, यहाँ पर सारे हैशटैग को डाल देना है। हैशटैग डालने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाना है। अब यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है नीचे की साइड टैग्स मिल रहे हैं, ये टैग्स मिल रहा है, ये दोस्तों आपके वीडियो को रैंक कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, कॉपी ऑल पर यहाँ से क्लिक कर देना है, कॉपी ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाके इस पर आपको यहाँ पे पूरे के पूरे पेस्ट कर देने हैं। अब ये पेस्ट हो गया, अब दोस्तों इसका आपको यूज कैसे करना है वो आपको ध्यान समझना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपका इतना तो काम हो गया, अब आपको YouTube एप्लीकेशन पे चले जाना है। जैसे आप YouTube एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ से अब आपको अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना है। तो यहाँ से आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट अ शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपनी वीडियो ले लो, सबसे पहले आपको जो वीडियो अपलोड करनी है वो वीडियो अपनी यहाँ से निकाल लो। मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैंने अपनी वीडियो को ले लिया। वीडियो लेने के बाद अगर आपको वीडियो एक मिनट की बनानी तो यहाँ से अपना टाइम बढ़ा सकते हो, वरना यहाँ से डन कर दो। डन करने के बाद यहाँ से आपका जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, ऐड साउंड का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली ऐड साउंड पर क्लिक करो। साउंड ऐड करने के लिए नहीं बोल रही, अगर आपको साउंड ऐड करना है तो साउंड ऐड कर दो। अभी देखो नवरात्रि चल रहे थे तो ये वाला जो साउंड है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपको क्या करना है इसी साउंड को ले लेना है। जैसे आप इस साउंड को लेंगे तो यहाँ पर देखो ब्लू आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये साउंड है वो यूज नहीं करना है, देखो अब आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद यहाँ पर देखो ऊपर टू डॉट आ रहे हैं, टू डॉट पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल साउंड फुल करना है और यहाँ से जो आपका रियल जो अभी साउंड लिया था उसको आपको जीरो कर देना है। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए आपको जो भी कंटेंट जो भी आपका है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कैप्शन देना है। तो कैप्शन आपको कैसे देना है, मान लीजिए हमें क्या करना है, नेचर लव, तो हम क्या करेंगे यहाँ से नेचर लव, इस तरीके से मैंने नेचर लव करके डाल दिया। अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर सबसे पहला हैशटैग देना है आपको शॉर्ट्स का, इस तरीके से शॉर्ट्स का हैशटैग देना है। अब दोस्तों इसके आगे आपको क्या हैशटैग लगाने हैं वो ध्यान समझना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले एक हैशटैग आपने दे दिया, अब इसके आगे क्या करना है, अब आपको जाना है अपने नोटपैड के अंदर। अब यहाँ पर देखो हमने जो पहला वाला टाइटल लिया था इसको आपको कॉपी कर लेना है, जो कॉपी करना है पहला जो टाइटल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था वो कॉपी करके इसके आगे लाकर आपको पेस्ट कर देना है। इतना काम आपने कर लिया, यहाँ पर देखो पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद अब आपकी वीडियो ये अनलिस्टेड में होनी चाहिए, यहाँ से अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से मैंने नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे क्लिक कर दिया, यहाँ से अपलोड शॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी शॉर्ट वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको आना है अपने बायटी स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, अब इसके पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, ये वीडियो हमारी अपलोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, सबसे पहले तो आपको ये वाला टाइटल है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाला टाइटल है उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है अपने नोटपैड के अंदर। अब आपने जितना भी यहाँ से कॉपी किया था इसको, ठीक है, यहाँ से आपने जो भी पेस्ट करके रखा था ये सारा आपको यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से आपको डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने सारा कुछ यहाँ पे डाल दिया।
अब यहाँ पर देखो वो चैनल का नाम भी मेंशन हो गया, वो टाइटल, वो हैशटैग, ठीक है, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर देखो ये वाली वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही थी और ये वाली वीडियो भी ट्रेंडिंग में चल रही थी। तो अगर आपके ये वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है तो जब कोई स्क्रॉल करेगा तो आपकी वीडियो भी वहां से ट्रेंडिंग में पहुंचेगी और आपकी वीडियो पे 100% ज्यादा व्यूज आएंगे, ये दोस्तों मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इतना जो इसका टाइटल है, इतना टाइटल है हैशटैग को हटाने के बाद, तो ये वाला आपको कॉपी करना है। इस तरीके से कॉपी करने के बाद बैक चले जाओ, यहाँ से टैग वाले ऑप्शन में जाओ और इस तरीके से इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया, अब यहाँ से बैक जाओ, बैक जाने के बाद यहाँ से फिर से जाओ इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर दूसरी वीडियो का टाइटल क्या है, साहसी बच्ची, तो इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से डाल दो। अब डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट्स डालना है, इस तरीके से शॉर्ट्स यहाँ पे डालना है आपको, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, इस तरीके से डालना है यूट्यूब शॉर्ट्स। इस तरीके से आपको कुछ हैशटैग्स हैं वो लगा देने। अब यहाँ पे डालना है आपको नेचर, ठीक है, उसके बाद डालना है नेचर लव, ठीक है, इस तरीके से आपको डालना है, कुछ इस तरीके से आपको हैशटैग लगा देने। अब दोस्तों ये हो गया हैशटैग का काम। अब दोस्तों आपके वीडियो जिस कैटेगरी से रिलेटेड है, अब आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड हैशटैग निकालने, कहां से निकालोगे, तो सबसे पहले इसको आपको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, अब जाना है आपको यहाँ से गूगल पे, ठीक है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है नेचर, ठीक है, यहाँ से लिखना है नेचर टॉप हैशटैग, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है टॉप हैशटैग, इस तरीके से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करना है, ये मेन वेबसाइट आ गई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे, इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, देखो आपके सामने कितने सारे हैशटैग आ गए। अब यहाँ से क्या करना है आपको, टॉप के कम से कम 8 से 10 हैशटैग यहाँ से आपको कॉपी कर लेने। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से बायटी स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर जाना है, यहाँ से आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अब आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और सबसे नीचे लाके आपको अपने वही हैशटैग को यहाँ से पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैशटैग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब दोस्तों आपके वीडियो को वायरल होने से कोई भी इंसान नहीं रोक पाएगा, बल्कि खुद भी यूट्यूब नहीं रोक पाएगा। यहाँ से हमने 2 वीडियो ली जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है और यहाँ से हमने इसके वायरल हैशटैग ले लिए, हमने कीवर्ड भी लगा दिए सारे के सारे और यहाँ से हमने कैप्शन और टैग्स भी लगा दिए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेव कर देना। सेव करने के बाद अब आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी वीडियो को कम से कम 5 से 6 घंटे के बाद पब्लिक करना है, उससे पहले आपको पब्लिक नहीं करना है जब तक वीडियो आपके एल्गोरिदम में सेट नहीं होगी, ठीक है, जब तक एल्गोरिदम में सेट नहीं होगी तब तक आपको अपनी वीडियो को पब्लिक नहीं करना है। तो अब आप लोग अच्छे तरीके समझ जाओ कि आखिर आपको अपनी शॉर्ट वीडियो को किस तरीके से वायरल कराना होता है। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को ये ट्रिक लगाने के बाद भी शॉर्ट वीडियो वायरल ना हो तो आपका जो मन करे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना आके, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।